वाराणसी है से है जहां पर चंपक अपनी मां को देखकर फिर से चहक उठा। मां को देखने के बाद जितनी खुशी 1.25 साल की बेटी चंपक को थी उससे कहीं ज्यादा खुश उनकी मां एकता नजर आ रही थी। दरअसल 1.25 साल की चंपक की मां और पिता को नागरिकता कानून और NRC का विरोध करने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज 15वें दिन उन्होंने अपनी दूध मुही बच्चे से मुलाकात की है। चंपक की मां एकता ने बताया कि वो 19 दिसंबर को सुबह 9 बजे घर से निकली थी और आज 15वें दिन अपनी बेटी से वो मुलाकात कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 14 दिन थे बेहद तकलीफ दे थे, उन्हें हर दिन अपनी बेटी की चिंता सताती रही। इसके अलावा चंपक की मां ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि तानाशाही से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकार कोई भी हो उसे हिटलरशाही छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। एक दिन जो था मुझे लगता था कि आज कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और मैं बाहर आ जाऊं, और मैं बाहर भी लोगों से बार बार बात कर रही थी कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, इसलिए कुछ भी करके आप लोग प्लीज मुझे बाहर निकालिए। अगर बेटी थोड़ी बड़ी होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन बेटी जो है अभी भी मेरे दूध पे निर्भर थी और रात में मुझे ढूंढती है, तो मुझे इसलिए ज़्यादा कष्ट हो रहा था कि ये बहुत तकलीफ में होगी और घर वाले भी परेशान होंगे इसके रोने की वजह से। तो ये मेरे लिए 14 दिन बहुत तकलीफदायक रहा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। 4 दिन से खोज रही थी एकता, वो माँ अम्मा वो पापा वो, कल तो बहुत हम लोग रोने लगे थे, जबकि अपने बुआ दादी से बोल रही है बुआ दादी फोन माँ चंपक पापा को फोन करेगी, तो दादी का फोन ही वो इस्तेमाल करती है, तो हम लोग थोड़ा रोने लगे उसके सामने, तो वो चुप हो गई, बोली दादी नहीं मेरा आंसू पोंछ रही थी, तो फिर हम लोग चुप हो गए कि बच्ची को तकलीफ होगा। लेकिन अब क्या, मोदी के खिलाफ तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी कि आज यदि मोदी नहीं छोड़ते हैं तो खुद हम लोग वहाँ पर हंगामा करेंगे। अब मोदी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, मोदी हो या योगी हो, इन लोग का तो परिवार नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, तो इन लोग क्या समझेंगे कि एक परिवार क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है।